हम जो जैसे हैप्पीनेस प्रोग्राम के टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलता हूँ, जितने हम लोग जो डिलीवरी करते थे, अब उसके अंदर बहुत ज़्यादा कन्विक्शन भी आ गया है कि ऑल्दो हमने कई चीज़ें रेड की थी, बट इट वॉज ए पीस मील, नाउ इट इज़ इन ए सिस्टम वी हैव रेड, कि इन सब चीज़ों के पीछे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपके कोर्स में भी कोई डॉक्टर आ जाता है, कोई इस तरीके का व्यक्ति आ जाता है जिसे उन चीज़ों की आपसे ज़्यादा नॉलेज होती है। तो हमेशा हमें, मेरा ये मानना है कि अगर हमें हैप्पीनेस प्रोग्राम को डिलीवर करना है तो हमें हैप्पीनेस प्रोग्राम से बहुत ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए, कि जिससे जो हम बोल रहे हैं, अगर हमारे सामने वाला पार्टिसिपेंट्स हमसे कोई क्वेश्चन करे तो हमारे जवाब ऑथेंटिक होने चाहिए, साइंटिफिक होने चाहिए और दे शुड बी करेक्ट। तो ये मेरे को एक इसमें लगा कि आई विल स्टडी मोर ऑन दोज थिंग्स जो सिस्टमेटिकली हमें, जैसे सुदर्शन क्रिया के बारे में जो चीज़ें हैं, हम कहते हैं हाँ ये उसमें एक रिपोर्ट आई आप पढ़ लो, बट नाउ वी ऑल्सो कैन टेल कि वॉट इज गोइंग टू हेल्प यू इन डूइंग दिस थिंग। सो दैट इज़ वन थिंग विच इज़ गोइंग टू क्रिएट। और जैसे किसी ने कहा और सब कहा, और मैं भी कहता हूँ कि आर्ट ऑफ लिविंग का हर कोर्स अपने आप में एक यूनिक कोर्स है, तो उस कोर्स को अटेंड करना अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। और यू ऑलवेज इन ऑल द कोर्सेज, इवन मैं ये सोचता हूँ अगर मैं आर्ट एक्सेल भी अटेंड करूंगा ना, तो आई एम गोइंग टू लर्न सो मेनी थिंग्स। सो एवरी कोर्स इज इम्पॉर्टेंट। और जैसे भैया ने एक चीज कही कि हम कितने एडवांस कोर्स आपने किए, यू नीड नॉट टू काउंट, लाइक इफ वी बाय अ शर्ट 2 years बैक, डू वी काउंट दैट हाउ मेनी टाइम्स वी हैड वॉश्ड दैट शर्ट? नो। उसी तरह हम अपने जीवन में कितने स्ट्रेस और कितनी नेगेटिविटी और कितना वो कलेक्ट करते रहते हैं, बाय रिपीटिंग दीज कोर्स एंड अटेंडिंग दीज कोर्स वी आर जस्ट क्लींजिंग अवर सेल्फ। और जैसे भैया ने कहा कि वेन एवर आई डिलीवर, मैं भी अपने पार्टिसिपेंट से हमेशा कहता हूँ कि जब मैं आपको कोर्स डिलीवर कर रहा हूँ ना, अगर देर आर 20 people, तो 21 people आर लिसनिंग दैट कोर्स, बिकॉज आई एम ऑल्सो गोइंग थ्रू दैट नॉलेज अगेन एंड अगेन। उसके बाद भी मैं सुधर नहीं पा रहा, वो एक अलग सवाल है। ओके।